राज नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए इवेंट्स की मदद ले रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा के चुनावी समर को जीतने के लिए इन दिनों आयोजनों की बाढ़ आ गई है। खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को चुनावी तैयारी के लिए नेताओं ने अपना मैदान बना डाला है। कोई क्रिकेट प्रतियोगिता कर रहा है तो कोई मलखम और योग में अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। किसी को देवी मंदिरों के दर्शन, सैर सपाटा, राहगीरी, तिरंगा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वोट मिलते दिख रहे हैं। शहर में आयोजनों की बढ़ती तादाद इसकी गवाही खुद दे रही है। इवेंट के माध्यम से राजनीति करने में उज्जैन दक्षिण विधानसभा के विधायक और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव सबसे आगे हैं। बहुत कम समय में ही भाजपा के दिग्गजों को पीछे छोड़कर प्रदेश की राजनीति में अपना मुकाम बनाने वाले यादव का सारा फोकस सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर होता है। इसके लिए बकायदा उनकी टीम समय समय पर आयोजनों को गति देती रहती है। राजेश सिंह कुशवाहा, कपिल यारदे की यह टीम कभी महानाट्य कराती है तो कभी एआर रहमान नाइट। रक्षा बंधन पर राखी बंधवाने से लेकर मकर संक्रांति पर हल्दी कुमकुम और राष्ट्रीय त्योहारों पर तिरंगा यात्रा जैसे इवेंट का जिम्मा ये टीम संभालती है। कोठी रोड पर हर 15 दिन में होने वाली राहगीरी इस टीम का नया इवेंट है। करीब 3 महीने से हो रहे इस इवेंट का मकसद मोहन यादव के लिए वोटों की जमीन तैयार करना है। सुबह के समय होने वाले इस इवेंट में खुद मंत्री जी सैर पर निकलकर अपने विधानसभा के मतदाताओं को ये संदेश देते हैं कि 57 साल की उम्र में भी वह पूरी तरह फिट है। वह दौड़ सकते हैं, तेज चल सकते हैं और आम आदमी को आसानी से मिल भी सकते हैं। उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट पर भाजपा की तरफ से जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय को भी दावेदार माना जा रहा है। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले उपाध्याय लो प्रोफाइल है और जन अभियान परिषद के माध्यम से गुपचुप अपने काम को अंजाम देते हैं। लेकिन दिसंबर में जन अभियान परिषद के अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव सुजलाम ने उन्हें दक्षिण विधानसभा के दावेदारों की कतार में शामिल कर दिया है। परिषद का 3 दिनी सुजलाम कार्यक्रम काफी सफल रहा है और इसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत सहित आरएसएस के सैकड़ों पदाधिकारियों ने शिरकत करके एक संदेश देने की कोशिश की है। इवेंट की राजनीति का दूसरा ठिकाना उज्जैन का उत्तर विधानसभा क्षेत्र है, जहां भाजपा और कांग्रेस के दावेदार पूरी ताकत से सक्रिय है। उत्तर सीट से भाजपा के पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत इवेंट के माध्यम से अपनी राजनीति को जिंदा रखे हुए है। विष्णु सागर का सैर सपाटा, शिप्रा को प्रवाह मान करना, मलखम प्रतियोगिता और रामलीला का मंचन उनके इवेंट है। इनके माध्यम से उनकी टीम लगातार लोगों को अपनों से जोड़ रही है और मीडिया से भी उनकी उपस्थिति बरकरार रखे हुए है। सोनू की टीम मलखम की एक बड़ी प्रतियोगिता करा चुकी है और दूसरी कराने की तैयारी में है। फरवरी में खेलो इंडिया के जरिए ये प्रतियोगिता होने जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए राजनीति का क ख घ सीखने वाले सोनू के लिए उनकी टीम खेल के अलावा शिप्रा के प्रवाह मान करने के लिए सैकड़ों कुएं बावड़ियों को साफ कर चुकी है और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने के लिए सामाजिक न्याय परिसर में रामलीला का मंचन करा चुकी है। रामलीला के इस इवेंट में आम आदमी तो जुड़ा ही है, भाजपा के सनातन धर्मी होने का एजेंडा भी पूरा हुआ है।
उज्जैन उत्तर विधानसभा में सोनू के साथ ही भाजपा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालू हेड़ा भी सक्रिय है। वह भी गाहे बगाहे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। हालांकि उज्जैन उत्तर में उनकी अधिकतर गतिविधियों का केंद्र जैन समाज के कार्यक्रम रहे हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर चाइना डोर से बचाव, गिल्ली डंडा खेलने जैसे उनके कार्यक्रम ये बता रहे हैं कि वह मौजूदा विधायक पारस जैन की जगह इन इवेंट्स के जरिए लेना चाहते हैं। उत्तर सीट पर कांग्रेस की तरफ से भी दावेदारों की कमी नहीं है और इस सीट पर शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक यादव उर्फ विक्की इवेंट के जरिए अपनी संभावना बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने भारत जोड़ो क्रिकेट कप करा के की थी। इसे आगे बढ़ाते हुए उन्होंने नवरात्र को इवेंट में तब्दील कर दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए देवी मंदिरों तक जाने के लिए बसें चलाई और महिलाओं के लिए फरियाल से लेकर चाय पानी तक की व्यवस्था भी की। मकर संक्रांति को भुनाने का मौका भी उन्होंने नहीं छोड़ा और चाइना डोर से बचाव के लिए लोगों को गले में खुद सड़क पर खड़े होकर पट्टे बांधे। विवेक यादव को जिन उत्तर में दो महिला नेत्रियां चुनौती देने को बेताब है। माया राजेश त्रिवेदी और नूरी खान को जब भी मौका मिल रहा है वह इवेंट कर रही हैं। माया राजेश त्रिवेदी ब्राह्मण समुदाय के बीच समाजों की गतिविधि के साथ सक्रिय है तो नूरी खान एग्रेसिव छवि के सहारे मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश करती रहती हैं। माया राजेश त्रिवेदी ने इसी कड़ी में पुराने शहर में होने वाले चक्का जाम को लेकर प्रदर्शन किया तो महाकाल मंदिर क्षेत्र के रहवासियों को विस्थापित करने पर भी उन्होंने मोर्चा खोला। विधानसभा के दावेदारों के साथ ही लोकसभा के लिए मशक्कत भी जारी है। इसमें मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया इवेंट को भुनाने में लगे हुए हैं। युवा खिलाड़ियों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए उन्होंने भूरे लाल फिरोजिया की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट सांसद ट्रॉफी के नाम से शुरू किया है। इसके माध्यम से वह अपने वोटों को पुख्ता करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा भी शहर में होने वाले हर इवेंट में बढ़ चढ़ कर भाग लेकर अपनी छवि चमकाने में लगे रहते हैं। बहरहाल इवेंट के जरिए राजनीति चमकाने का दौर नया नहीं है। पहले नेता आंदोलन के जरिए अपनी छवि गढ़ते थे। कपड़ा मिलों को चालू कराने के लिए आंदोलन कर करके मौजूदा भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया सांसद से लेकर मंत्री तक बने तो पंडित बाबूलाल मेहरे विधायक। हालांकि तब आंदोलन नेताओं को तैयार करने का बड़ा जरिया होता था, लेकिन अब जब समय बदल गया है तो इवेंट में नेताओं ने अपनी संभावना खोज ली है। अब देखने वाली बात यह है कि इवेंट्स के जरिए हमारे राजनेता वोटों की फसल काट पाते हैं या नहीं।